नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एवं पहल विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में किसानों को रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ललितपुर जनपद के ब्लॉक जखौरा के ग्राम बीघा खेत, अमरपुरा, मेहर्रा रोड़ा आदि विभिन्न ग्रामों के 25 सदस्यीय दल को 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना किया गया था। आपको बताते चलें कि उक्त किसानों के दल को जिला विकास प्रबंधक अरविंद कुमार निगम नाबार्ड ने मुख्य अतिथि के रूप में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उक्त किसानों के दल को 26 नवंबर 2021 को उन्नत कृषि अभियान परिषद सागर भेजा गया था। किसानों की ये टोली 28 नवंबर को वापस हुई। उक्त शैक्षणिक भ्रमण को कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। कैट योजना के अंतर्गत पहल विकास समिति द्वारा ललितपुर जिले से इन 25 किसानों के दल को सागर में जैविक खेती को समझने, जैविक खेती की समस्या व उनका निदान, मल्टी लेयर कृषि मॉडल, अंतर्वर्तीय कृषि प्रणाली, जैविक खाद एवं कीटनाशकों का निर्माण जैसे विषयों पर किसानों की समझ को विकसित किया गया। इस अवसर पर पहल विकास समिति के सचिव प्रिंस कुमार ने बताया कि कैट योजना के अंतर्गत किसानों को ऐसे ही जमीनी जैविक खेती से होने वाले सफल उदाहरणों से समय समय पर किसानों को सोच को बदलने का कार्य होता रहेगा, ताकि हमारे जनपद के किसानों को जैविक खेती से लाभान्वित किया जा सके। साथ ही साथ जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड द्वारा सराहना की गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस भ्रमण से किसानों को सही दशा और दिशा मिली होगी। हम इसी तरह से किसानों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। इस अवसर पर सतीश पांडे, मोहेंद्र व दीप सिंह सहित किसानों में नरेंद्र, पुष्पेंद्र, हरपाल, बरजोर आदि किसान उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए जखौरा से सोनू चौरसिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।